हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जीबीएस की वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिस बीमारी से इस टाइम पे गुजर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ही मैं 2017 अगस्त में डायग्नोज हुआ था जीबीएस से, और आज मुझे 3 साल हो गया। तो मैंने सोचा कि जितनी भी मेरे पास क्लिप्स हैं, फोटोज हैं, मैं क्यों ना उसको कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊं, ताकि उन लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले और थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, जैसे कि मेरे को मिली थी जब मैं जीबीएस से गुजर रहा था। तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि जीबीएस होता क्या है। तो जीबीएस की बेसिकली फुल फॉर्म होती है गुलेन बरे सिंड्रोम। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो ट्रिगर होती है या तो स्टमक फ्लू या लंग इन्फेक्शन से। तो बेसिकली इस बीमारी में होता है क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है बाहर की बीमारियों से, वो अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने में हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो माइलिन शीथ होती है, जो वायरस होता है जीबीएस का, वो उस माइलिन शीथ को खा जाता है। अब माइलिन शीथ को खाने से होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं वो ढंग से पास नहीं हो पाते। उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स पहुँचने हैं वो पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो ढंग से हो नहीं पाती। और जब वो माइलिन शीथ धीरे 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 हमारी बॉडी से खत्म होती जाती है तो हमारी बॉडी से पावर खत्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे पैरालाइज होने शुरू होते हैं। तो ये जो बीमारी है बेसिकली लोअर बॉडी से शुरू होती है, जैसे पैरों से शुरू होगी, धीरे धीरे पैरों में वीकनेसेस आएगी, कमजोरी महसूस होगी, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, और फैटीग महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। तो वो पैरों से शुरू होती है, पैरों के बाद वो हाथों में आएगी, धीरे धीरे आपकी उंगलियों में पैरालिसिस शुरू होने लग जाएगा, आपकी मूवमेंट्स हल्की हल्की धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आप ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंच गया, जो कि मेरे पहुंच गया, तो आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे को वेंटिलेटर लगा था, तो आप यहाँ निशान भी देख सकते हो मेरे गले में कि वेंटिलेटर का ही निशान है। और अगर वेंटिलेटर लग जाता तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और ये पैरालिसिस जो होता है टेम्प्रेरी होता है, इसमें इंसान ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज की जो वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको इंस्पायरिंग लगेगी और मोटिवेटिंग लगेगी, स्पेशली उन लोगों को जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि उन लोगों को भी लगे जो इस बीमारी से कभी नहीं गुजरे, और होप करता हूँ कि उनको कभी ऐसी बीमारी कभी हो भी ना। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डालेंगे तो कम से कम दिखाई तो दे। हाँ पागल है, बैठने का
गाइज जैसे कि आपने देखा इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, अभी बहुत इंप्रूवमेंट करनी बाकी है। टिल द टाइम स्टे ट्यून स्टे मोटिवेटेड। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई और मोटिवेटिंग लगी हो। और इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहली तो ये कि पेशेंस रहें, अपने अंदर पेशेंस रखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये बीमारी टाइम लेती है। दूसरा, अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात ना करें, अगर करना है तो अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ऐसे इंसान से बात करें जो इस बीमारी से गुजर चुका है। क्योंकि अगर आप किसी और से बात करोगे और अपनी बीमारी के बारे में दूसरों के सामने जिक्र करोगे तो आपकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा सही नहीं होगी। आपको सिंपथी मिल जाएगी लेकिन हो सकता है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट ना मिले और इसकी वजह से आपकी रिकवरी भी फास्ट नहीं होगी। तीसरी चीज़ कि अपनी जो GBS है इसके बारे में चिंता ना करें अपनी हेल्थ को लेकर। मुझे पता है कि चिंता होती है लेकिन अगर ज़्यादातर आप चिंता करते रहोगे और अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा ओवरली कंसर्न्ड हो जाओगे तो आपकी जो रिकवरी है वो उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी जितना कि आप अगर रिलैक्स और ठंडे माइंड से इस चीज़ को सोचोगे तो। चौथी चीज़ ये है कि जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, कि जैसी आपकी हेल्थ है उसके लिए आपको जेन्युइनली हैप्पी होना चाहिए। कि दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, तो हमारे साथ तो फिर भी GBS हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जिनके हाथ पैर ही नहीं है। तो हमारे को ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए कि जैसी भी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर ही नहीं है। तो एटलीस्ट हम इतने तो लकी हैं कि हमारे पास हाथ पैर हैं। कल को अगर ऐसी कोई बीमारी होती जिससे हमारे हाथ पैर ही चल जाते तो हम क्या कर लेते। तो हमारे को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारी हेल्थ जैसे भी है उसके लिए हमारे को भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है, इट्स बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट, कि मतलब कि अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है रैदर देन कि हम पड़े पड़े या बैठे बैठे वो चीज़ पर जंग लग जाए। जैसे कि हम कोई परफ्यूम लेंगे, अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी एक एक्सपायरी डेट आ जाएगी। एक्सपायरी डेट अगर वो आ गई तो हमारे को बाद में रिग्रेट होगा कि यार इसको हमने तो ढंग से यूज़ ही नहीं किया, इससे बढ़िया हम उसे इस्तेमाल ही कर लेते। तो वैसी ही आपकी बॉडी, वैसी आपकी फिजिकल हेल्थ है कि आप इसको जितने ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। और लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगी ठीक होने की, उतनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे और उतनी ज़्यादा जल्दी आप ठीक होगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।